फूलों की आड़ में, रिश्तों की दरार में, नदियों की बाढ़ पर, भूख और सुखाड़ पर सच्ची सियासत हो या राजनीति का पाखंड, देखते रहिए साधना न्यूज बिहार झारखंड। नमस्कार, प्रॉपर्टी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। प्रॉपर्टी मंत्रा में हम आपको अपनी जमीन जायदाद से संबंधित जानकारियां देते हैं, साथ ही हमारी ये कोशिश भी रहती है कि आपकी जमीन जायदाद से जुड़ी समस्या का हम हल भी कर पाए। इसलिए हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। समझना होगा क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी, और निश्चित तौर पर उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो जितने भी मुद्दे हैं उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहां पर आपके लिए प्रॉपर्टी बेहतर रहेगी, जहां पर अपना आप निवेश करते हैं, वो निवेश भविष्य में आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा, ये हमें समझना होगा। और इसके साथ ही हम बता दें आपको कि प्रॉपर्टी मंत्रा से जुड़ने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर फोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज बन सकें और आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचा पाए। ये हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपकी आवाज बने और आपकी आवाज पुरजोर तरीके से उठा सकें। इसी फेरिस्त में आज हम आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरें तो दिखाएंगे ही, साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान भी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी मंत्रा। तो महानगरों की ऊंची इमारतों की तरह चल रही बिल्डिंग मटेरियल की कीमत को लेकर हम बात करेंगे, और सपने के आशाने को सपने तक ही सीमित किस तरह से कर दिया गया उस पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों में भवन निर्माण के लिए जरूरी रेत, गिट्टी, ईंट, सीमेंट और लोहा औसत रूप से 10 से 15 फीसदी महंगा हुआ है, और वहीं महंगी मजदूरी और चढ़ती ब्याज दरों के चलते उपभोक्ताओं को 15 से 20 फीसदी तक भवनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। एक रिपोर्ट हम देखते हैं, उसके बाद सारी हकीकत आपको समझ आ जाएगी। घर का सपना हुआ महंगा, लागत में हुआ इजाफा, होम लोन की ब्याज ने भी किया जीना मुहाल। दिल्ली एनसीआर समेत देश के ज्यादातर महानगरों में अब सस्ता घर का सपना महज सपना ही बनता जा रहा है। एक तरफ बढ़ती जनसंख्या और रहने की समस्या अपना मुंह फाड़ रही है, तो दूसरी ओर भवन निर्माण में यूज होने वाले मटेरियल की किल्लत लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को एक तरफ तो घर महंगे मिल रहे हैं और वही दूसरी ओर घर समय से भी नहीं मिल पा रहे हैं। जिस दिन प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है उस दिन कीमत कुछ और होती है, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो मार्केट की, चाहे वो इन्फ्लेशन की बात हो, चाहे मार्केट के उतार या चढ़ाव की बात हो, उसका सारा वजन लगभग ग्राहक पर पड़ता है। देखिए, हमारे केस में जैसे मैंने पहले आपको बताया, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हमने दिए थे, उसमें कोई एस्केलेशन नहीं किया, जिस रेट पर हमने फिक्स किया था उसी रेट पर हमने दिए। इस नए प्रोजेक्ट में भी हमने बिल्कुल ये फिक्स करके बुलवाया है और जीरो एस्केलेशन क्लॉज साथ में डाला हुआ है, इसमें कोई एस्केलेशन नहीं होगा। जिस प्राइस पर हमने जिस भी अलॉटी को दिया है हम उसी पर देंगे। जो फ्लैट्स हमने 2000 रुपीज में बुक किए थे, हमने कोई भी एक भी फ्लैट उसमें कैंसिल नहीं किया। विपिन साहनी की माने तो प्रोजेक्ट में डीले पर्यावरण संबंधी मानक में सख्ती सबसे बड़ी वजह है। वही बिल्डिंग निर्माण में यूज होने वाले मटेरियल, रेत, ईंट, सीमेंट और लोहे की बढ़ती लागत और कम सप्लाई इसकी बड़ी वजह है। साथ ही सरकार के जल्दी जल्दी बदलते नियमों से भी देश के बिल्डर्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई डेवलपर या कोई जो बिल्डर है, जिस दिन अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और जिस दिन वो अपने प्रोजेक्ट को फ्लोर पर लेकर के आता है, उसमें काफी अंतर होता है। जिस दिन वो लॉन्च करता है वो कहता है कि वो अपने ग्राहकों को ये सारी सुविधाएं देगा, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो ज्यादातर, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ या किसी एक दो डेवलपर या बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर बिल्डर यही करते हैं कि एक तो वो समय से अपने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते, बहाना चाहे कीमत का हो, चाहे सरकारी
तानाशाही का, क्या लगता है क्या ये दोनों चीजें काम करती हैं इस पूरे मामले में? देखिए ये सोसाइटी है, सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, सब उनके अपने अलग वैल्यू सिस्टम है, अपने हिसाब से चीजों को वैल्यू करते हैं। लेकिन हम अपनी अगर बात करें तो हमने इससे पहले एक स्टूडियो अपार्टमेंट डिलीवर करे हैं ग्रेटर नोएडा में, हमने जो कमिट किया था उससे ज्यादा उन लोगों को दिया, लॉटीज को दिया, और उन्हें एक लेटर लिखा कि हमने ये फैसिलिटीज आपको ज्यादा दे दी हैं और इसके लिए हम कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। हालांकि बिल्डर समस्या से निपटने के नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के ज्यादातर 97% प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पा रहे। एक्सपर्ट्स की माने तो विगत 5 साल में तकरीबन 95% प्रोजेक्ट निर्धारित समय से पीछे हैं। रियल एस्टेट संस्थाओं के सर्वे के अनुसार देश में 97% प्रोजेक्ट अपनी निर्धारित लागत और समय की सीमा के भीतर तैयार नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसने अपना पैसा खर्च किया है, जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी अगर किसी प्रोजेक्ट में, और अचानक से उसका पोजीशन 2 साल के अंदर देने के लिए जो कहा गया था वो उसे 4 से 5 साल लग जाते हैं मिलने में, तब तक प्रॉपर्टी के जो रेट है वो काफी बढ़ चुके होते हैं और उसके बाद शुरू होती है बिल्डर्स की आनाकानी। रविंद्र कुमार गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, एक विडंबना यही रहती है कि जो उपभोक्ता है, जो निवेशक है, उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता है जिससे वो अपनी बात को रख सके, क्योंकि कमिटमेंट जो की जाती है, कागज जो तैयार किए जाते हैं, वो सारे अपने पक्ष में ये बिल्डर्स रखते हैं। जो अब स्थिति बनने जा रही है उसको हम समझना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर किसकी गलती है और इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि उसका खामियाजा निवेशकों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल रविंद्र, ये बिल्कुल सही बात है कि इस पूरे मामले में जो खामियाजा है वो या तो निवेशक को भुगतना पड़ता है या उस उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है जिसने अपने घर का सपना देखा है। ज्यादातर बिल्डर यही करते हैं कि समय के साथ, देखिए समय के साथ मांग बढ़ती है, मांग के साथ जो सामान है यानी जो सप्लाई है उसकी कीमत में इजाफा होता है। ये मार्केट का ट्रेंड है जो लगातार चलता रहता है, अनवरत तरीके से चलता रहता है, लेकिन बिल्डर इसकी कोई जानकारी नहीं देता। जिस समय बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है वो हालांकि ये वादा जरूर करता है कि हम नियत समय में आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे, आपको आपके घर का जो सपना है वो आप इतने समय में अपना पूरा कर लेंगे, लेकिन जिस समय हैंड ओवर की बात आती है रविंद्र, तो चाहे वो मार्केट के इन्फ्लेशन की बात हो, चाहे मार्केट में जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट में इजाफे की बात हो, चाहे सरकार के द्वारा अलग अलग प्रतिबंध की बात हो, इनका बिल्डर एक वो तरीका बता करके उपभोक्ताओं को लगातार लूटने का काम करते हैं। और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें रविंद्र, निवेशकों के पास क्या विकल्प रह जाता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना पैसा लगा दिया, को जो प्रोजेक्ट में उनका मकान, अपना उनका घर मिलना था, वो 2 साल के अंदर पोजीशन देने की बात कही गई थी, लेकिन 3 से 4 साल बीत, अगर हम नोएडा एक्सटेंशन के मामले को लेकर देखें तो बीत चुके हैं। अब ऐसे में अगर दाम बढ़ाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर असर जो पड़ेगा उसका खामियाजा भुगतना है, लेकिन क्या विकल्प है निवेशकों के पास? देखिए रविंद्र, अगर विकल्पों की बात करें तो कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, इसके अलावा पहला जो कदम है वो कंज्यूमर फोरम का हो सकता है कि कंज्यूमर फोरम में जाकर के अपील की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति अगर प्रोजेक्ट को लेकर के अगर वो बिल्कुल पूरी तरह से अगर वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है तो कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटा के ना सिर्फ वो अपना बकाया बल्कि पेनल्टी और ब्याज सहित, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट सहित, उसका पैसा उसे वापस मिलने का प्रावधान कानून के अंदर है। इसके अलावा क्रेडिया एक बिल्डर एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका दरवाजा खटखटाया जा सकता है रविंद्र, और कानूनी तो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनका भी सहारा लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के नियम तो कई हैं और तरीके कई हैं कि उनके उनका इस्तेमाल करके जो कोई उपभोक्ता है वो अपना पैसा वापस ले सकता है या विड्रॉ कर सकता है अपना पैसा। रविंद्र, एक हमाम में सब एक जैसे नजर आते हैं, अगर क्रेडाई पर हम भरोसा करें तो कुछ क्रेडाई के मेंबर्स, क्या लगता नहीं कि ऐसे हैं जो इस बात का वादा कर रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि अपने निवेशकों से कि हम जिन्होंने पुराने समय में हमसे मकान लिए हैं या जो निवेशक रहे हैं उनके दाम हम नहीं बढ़ाएंगे, जो नए हमारे साथ जुड़ेंगे उनके दाम हम बढ़ाएंगे, लेकिन क्या लगता नहीं वो भी यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ लेंगे, कहेंगे कि महंगाई इतनी हो गई है, लोहा इतना बढ़ गया है, सीमेंट इतनी हो गई है, गिट्टी इतनी हो गई, उसके आधार पर हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे। रविंद्र, समस्या यही है, अगर अपने पीछे अगर इतिहास की बात करें, अभी हमने कुछ दिन पहले सुपरटेक इको विलेज 3 सावेरी का मामला उठाया था जिसमें सुपरटेक ने लगभग 500 लोगों का
जो पैसा है वो जबरदस्ती वापस कर दिया और वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल कर दिया। और कुछ लोगों को उन्होंने 500 में से कुछ लोगों को सारे इको विलेज 2 और 1 में जाकर के कुछ फ्लैट्स दे दिए ताकि उनके ऊपर किसी तरह का कानूनी दबाव ना पड़े, लोग सड़कों पर ना उतरें। तो ये तो बात सही है कि बिल्डर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है, लेकिन अगर अगर जो उपभोक्ता है अगर पूरी समझदारी से अगर निवेश करेगा रविंद्र, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसे किसी तरीके का नुकसान हो। हाँ ये जरूर है। हम थोड़ा और पहलुओं पर भी आपसे चर्चा करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और बिंदुओं पर करते हैं चर्चा। देखते रहिए प्रॉपर्टी मंत्रा। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जी आर एंटरप्राइजेज के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। जी आर एंटरप्राइजेज शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। बीबी कितनी शाई है ना। वो तो है दीदी, अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी शर्माती है। प्रिया गोल्ड सीएनसी, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट। डेवलपिंग लाइफस्टाइल्स, डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी, डेवलपिंग टेस्ट, डेवलपिंग द फ्यूचर, डेवलपिंग ट्रस्ट, डेवलपिंग ड्रीम्स, डेवलपिंग फेथ। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। रूसी, डैंड्रफ? मुझे डैंड्रफ नहीं है। नहीं है। तो कुछ लगाया? मम्मी कहती है दही लगाओ, अंडा लगाओ, नींबू लगाओ। तो लगाया? नहीं, खा गई। डैंड्रफ कैसे जाएगा? रोज शैम्पू करती हूँ। पागल, केटोमैक लगाओ। रूसी है तो नहीं होगी, नहीं है तो कभी नहीं होगी। केटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू, अलविदा रूसी। रूसी बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में। देश के रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले एक साल के दौरान 18 से 20% जॉब खत्म हो गए हैं, यह कहना है कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। क्रेडाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर जॉब खत्म होने की वजह यह है कि इस सेक्टर में सेल्स की रफ्तार सुस्त पड़ गई है और कैश के मोर्चे पर कंपनियों के हाथ तंग है। रियल्टी सेक्टर में जॉब कट, रियल्टी सेक्टर पर मंदी की मार, कम हो रही है नौकरियां। जहां रियल्टी सेक्टर एक तरफ जहां मंदी की मार झेल रहा है, वहीं सेक्टर में अब नौकरियों पर भी डेवलपर्स लगातार लगाम कस रहे हैं, जिसके चलते इस सेक्टर में 18 से 20% तक की जॉब कट के संकेत मिलने लगे हैं। रियल्टी सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स की माने तो एक तरफ जहां प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिल नौकरियों पर संकट आ गया है, यहाँ तक इस साल 10 से 12% का नया रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ है जो सालाना तौर पर होता रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आकलन पिछले कुछ महीनों में डेवलपर्स के साथ ही बातचीत पर आधारित है। रियल्टी सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के सेगमेंट्स में जॉब पर सबसे ज्यादा संकट आया, इनमें ही कुल 60% नौकरियां खत्म हो गई। रियल एस्टेट सेक्टर करीब 7 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देता है। करीब 7-8% जॉब्स ऑफिस स्टाफ के लिए होता है जिनमें ज्यादातर लेबर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं। ये सेक्टर कैश जनरेशन के अलावा कमजोर सेल्स के मसले में भी पिछले 2 साल से जूझ रहा है। ऊंची कीमतों के कारण जहां संभावित खरीदार मार्केट से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं डेवलपर्स कीमतें न घटाने के पीछे ऊंची लागत और कम होते मार्जिन का हवाला दे रहे हैं।
और वही रियलिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले करीब 48 तरह के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, और अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी हो तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कम से कम 40% तक बच जाती। क्रेडाई रियल एस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था है, 20 राज्यों में इसके 9,000 से ज्यादा मेंबर है। इस समय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर ऐसे सुस्त हालात बने रहे तो उन पर भी आंच आ सकती है। कैश फ्लो की हालत बिगड़ रही है और अगले 3 महीने इस सेक्टर के लिए बेहद नाजुक होंगे, क्योंकि पिछले एक साल में रियल एस्टेट सेल्स में 14-20% गिरावट आ गई है। एनसीआर में सबसे ज्यादा सुस्ती आई है, इसके बाद मुंबई मार्केट का नंबर है। बेंगलुरु में प्रॉपर्टी मार्केट तो इस मार्च से काफी हद तक बच गया है, लेकिन दक्षिण भारत के दूसरे छोटे मार्केट सेल्स में सुस्ती से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। अठारह से 20% जॉब खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पर भी अब एक लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज बाहर का रास्ता देख लेंगे। लेकिन सबसे जो दर्दनाक पहलू ये होता है कि आखिर ये जाए तो जाए कहाँ। एक सपना समझौते हैं यहाँ पर कुछ लोग, लेकिन उन सपनों को किस तरह से तोड़ा जाता है इसको भी आप समझ लीजिए। रविंद्र कुमार गौतम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अब 18 से 20% लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर जॉब उनकी खत्म हो जाएगी या खतरे में पड़ जाएगी, इसको किस तरह से देखा जाए और वास्तविकता को हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए रविंद्र, सबसे बड़ी परेशानी ये है पूरे रियल सेक्टर में कि लगातार इसमें मंदी का दौर जारी है। ये सिर्फ एक साल की अगर बात करें तो 20% तक का इसमें जो है वो स्लो डाउन है, और अगर पिछले 4 साल की भी अगर बात करें, यानी कि अगर पूरे 5 साल का अगर आंकड़ा उठा के देखें तो लगातार स्लो डाउन बना हुआ है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इस सेक्टर में अब जो निवेशक है वो बहुत सोच समझ के पैर रख रहा है और वो सरकारी जो प्रोजेक्ट हैं उनकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा जा रहा है। अगर बात करें नोएडा अथॉरिटी की या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की या DDA की, तो उन योजनाओं का लोगों को ज्यादा इंतजार रहता है, जिसका असर इस पूरी रियलिटी सेक्टर पे पड़ा है। भरोसा कम हुआ है, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए किसी को। नवीन, क्या हम इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं कि निवेशक, एम्प्लॉय और सरकारें तक आप कठपुतली बन गई है इन रियल एस्टेट वालों की, डेवलपर्स की, बिल्डर्स की। देखिए रविंद्र, इसमें एक पहलू हमें समझना बेहद जरूरी होगा कि जो डेवलपर है वो जो प्रोजेक्ट है वो समय से डिलीवर नहीं कर रहा है, जिसका पूरा असर मार्केट पे पड़ रहा है। ये बात सही है कि महंगाई बढ़ी है, इस लिहाज से लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, लेकिन अगर किसी अगर उपभोक्ता को अगर समय से उसका आशियाना या घर नहीं मिल रहा है तो उसकी नाराजगी जायज है, जिसका असर रोजगार पर भी पड़ता है, क्योंकि पैसा नहीं आता है। पैसा जब नहीं आएगा तो जो बिल्डर है या जो डेवलपर है वो जरूर अपने खर्चों में कटौती करेगा, और उसके लिए सबसे पहला कदम ये होता है कि वो अपने जो अधिकारी हैं या जो उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी में वो या तो कट डाउन करता है या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है। तो ये एक बड़ी वजह है रविंद्र कि इस पूरे सेक्टर में अब नौकरियों में 20% तक की कटौती देखी जा रही है। रविंद्र, नहीं, एक चीज और समझना चाहें, क्योंकि हम दो लोगों की अगर यहाँ पर बात करें, निवेशकों की जो अपना पूरी जमा पूंजी लगाते हैं अपनी जिंदगी भर की, कुछ नए भी हैं जो नए लोग हैं, युवा लोग हैं, वो भी अपना पैसा लगाते हैं प्रॉपर्टी में, उनको लगता है कि प्रॉपर्टी के दाम जल्द से जल्द दोगुने होते हैं, उनको सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, और जब सारी घटनाएं सामने आती हैं, सच्चाई सामने आती है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय जो होता है वो निवेशकों को बताता है, सुनहरे ख्वाब दिखाता है, उनका पैसा लगवाता है कि नहीं आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाइए, लेकिन जब प्रोजेक्ट डिले होता है, पोजीशन में देरी होती है, तो निवेशकों से उसको भिड़ना पड़ता है, ना कि डेवलपर्स और बिल्डर्स को। बिल्डर्स और डेवलपर्स हर जगह सेफ रहते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए अगर ये, एक तो सबसे पहले तो ये, हालांकि इस पार्लियामेंट्री सेशन में जो विंटर सेशन है इसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस पर एक कोई रेगुलेटरी बिल इस सेशन में पास हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसको मॉनिटरिंग बॉडी कोई नहीं है रविंद्र, इस पूरे रियलिटी सेक्टर को देखने के लिए, जिसकी वजह से जो डेवलपर और जो बिल्डर हैं वो अभी तक मर्जी करते हैं, और ना सिर्फ वो अपने एम्प्लॉय को भी तंग करते हैं और दूसरी तरफ वो उपभोक्ताओं को भी परेशान करने का काम करते हैं। शिकायतें लगातार बढ़ी हैं, और फिलहाल तो रविंद्र यही उम्मीद की जा सकती है कि इस शिकायतों का अंबार तो इतना होगा रविंद्र कि अगर पूरा एक नत्थी किया जाए सारी शिकायतों को, निश्चित तौर पर एक खजाना उसके लिए तैयार हो जाएगा सिर्फ शिकायतों की अगर हम बात करें, और उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कब तक इस तरह से निवेशकों को यूं ही इंतजार करना पड़ेगा अपने आशाने के लिए, और कब इसको लेकर जो रेगुलेटर बिल की आप बात कर रहे हैं वो आएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को बताते हैं यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। रोजी सलमा करतार मेरे नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं, इसीलिए इन सबके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इनका जन्म सर्टिफिकेट म्यूनिसिपैलिटी से हासिल करना इनके माता पिता का फर्ज है। सभी सरकारी प्राइवेट और चैरिटेबल अस्पतालों का कानूनी फर्ज है कि जिन बच्चों का जन्म उनके यहाँ हुआ हो उनका रजिस्ट्रेशन कराए। रिश्ता है प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन ये फर्ज निभाना। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जन जन आवाज उठाए, रिश्वत मांगने वाले की शिकायत सरकार तक पहुंचाए। रूसी क्या डैंड्रफ? मुझे डैंड्रफ नहीं है। नहीं है तो कुछ लगाया? मम्मी कहती है दही लगाओ, अंडा लगाओ, नींबू लगाओ, तो लगाया? नहीं, खा गई। डैंड्रफ कैसे जाएगा? रोज शैम्पू करती हूँ। पागल, केटोमैक लगाओ। रूसी है तो नहीं होगी, नहीं है तो कभी नहीं होगी। केटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू, अलविदा रूसी। रूसी बाय। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। आज संडे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जिस तरह की हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा में, देश के रियल सेक्टर की जब हमने बात की है तो विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज की अगर हम बात करते हैं तो सेज के प्रति डेवलपर कंपनियों और निर्यातकों की दिलचस्पी अब घटने लगी है। क्यों, आइए देखते हैं। देश में किसानों की जमीन सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र में लाने के बाद सरकार को कहां तो ये उम्मीद थी कि इससे एक और जहां डेवलपर्स को आर्थिक सहायता मिलेगी, वहीं गांव देहात में रहने वाले किसान परिवारों को अपने ही इलाके में रोजी रोजगार के अवसर मिलेंगे। लेकिन कुछ तो डेवलपर्स की मनमर्जी और ऊपर से सरकार का उदासीन रवैया सेज योजना को ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के अधिकांश हिस्सों में सेजों के विकास का काम एकदम सुस्त पड़ा है। अपवाद स्वरूप चुनिंदा सेजों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सेज चालू नहीं हो पाए हैं। उत्तर राज्यों में सेजों के विकास की रफ्तार लगभग थमी गई है। निर्यातकों की बेरुखी के चलते कंपनियां विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज से किनारा करने लगी हैं। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में कुल 21 सेज में से 12 सेज कंपनियां अलग हो गई हैं। इनमें आदित्य बिड़ला समूह की हिंडालको लिमिटेड का सिंगरौली सेज भी शामिल है। इसके अलावा जो सेज अभी बचे हुए उनमें 6 सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल 10 नोटिफाइड सेज हैं। इनमें से 4 कंपनियों ने सेज से अपने हाथ खींच लिए हैं। इन सेज को विकसित करने के लिए जो अवधि दी गई थी वो खत्म हो चुकी है और उसको बढ़ाने के लिए कंपनियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। इसमें पार्श्वनाथ समूह और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का आईटी सेज, औद्योगिक केंद्र विकास निगम का एग्री सेज और हिंडालको का एल्यूमिनियम सेज शामिल है। हिंडालको सेज की अवधि तो अक्टूबर 2013 में समाप्त हुई, लेकिन कंपनी ने इसे आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिलहाल राज्य में औपचारिक अनुमति प्राप्त 11 सेज है। ये इस तरह के सेज है जिन्होंने अपने लिए जमीन और अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं और उस पर लगाना चाह रही हैं। इनको केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से अधिसूचित नहीं किया गया है। ऐसे 11 सेज में से केवल 3 ही ऐसे हैं जिन्हें विकसित करने की अवधि अभी बची है।
ऐसी कंपनियों में रुचि रियल्टी, एग्रोवेव और AKVN इंदौर शामिल है। रुचि रियल्टी और एग्रोवेव आईटी सेज लाना चाह रहे हैं और AKVN ने काफी समय पहले से डायमंड सेज के लिए अनुमति प्राप्त की हुई है। इसके अलावा शेष सभी कंपनियों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। इस तरह की कंपनियों ने MPSIDC के भोपाल और जबलपुर आईटी सेज, राइटर्स एवं पब्लिशर्स का छिंदवाड़ा का सेज, इंदौर में आने वाला जूम डेवलपर का मल्टी प्रोडक्ट सेज, मान इंडस्ट्री का इंदौर का मालवा आईटी पार्क, क्रेसेंट रियल्टी का इंदौर में आईटी सेज और ग्वालियर में आने वाला मल्टी प्रोडक्ट सेज शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। अभी आपने ये समझा, जो खबरें हमने आपको बताना चाहेंगे किस तरह की खबरें हैं, किस तरह से निवेशकों को परेशान होना पड़ता है, किस तरह से जॉब्स में अब दिक्कतें लोगों को आ जाएंगी क्योंकि बहुत सारे लोग अपने हाथ से जॉब चला जाने देंगे। लेकिन असली बात यह है कि अगर हम प्रॉपर्टी से फायदा लेना चाहते हैं तो हम किन बिंदुओं के जरिए ले सकते हैं, आइए उसको भी समझते हैं। शेयर बाजार की उठापटक, सोने की चमक में कमी और ब्याज दरों के चढ़ते उतरते पैमाने रियल्टी के सेक्टर में निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। पारंपरिक तौर पर प्रॉपर्टी में निवेश मुनाफे का सौदा रहा है। लंबी अवधि में इसकी कीमतें कभी कम नहीं होती और ये अच्छा खासा लाभ देकर जाता है। दीर्घावधि के निवेश में लाभ ही लाभ। रियल एस्टेट मार्केट का भी एक चक्र होता है, कभी कीमतें शीर्ष पर पहुंचती हैं तो कभी उस स्तर से अच्छी गिरावट भी देखी जाती है। जिन लोगों ने इस चक्र के मध्य में प्रॉपर्टी खरीदी थी वो आज दुविधा में हैं कि इन प्रॉपर्टी को रखा जाए या फिर बेचकर पैसे हासिल कर लिए जाएं। कुछ निवेशकों को पैसे की जरूरत भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि घाटे की भरपाई के लिए प्रॉपर्टी बेची जाए या फिर में बढ़ोतरी का कुछ समय तक इंतजार किया जाए। अगर ऐसे निवेशक इंतजार करते हैं तो फिर नया निवेश किस प्रकार कर पाएंगे? क्या कोई दूसरा परिसंपत्ति वर्ग उन्हें रियल एस्टेट से अच्छा रिटर्न दे पाएगा? मांग आपूर्ति का प्रभाव। जब बाजार अपने चरम पर था तो कोई निवेशक अपनी प्रॉपर्टी एक हफ्ते के भीतर बेच सकता था। आज के हालात ऐसे नहीं है। बड़े शहरों में इन्वेंट्री का स्तर बढ़ा चढ़ा है। निवेशक को ये देखना पड़ रहा है कि मांग आपूर्ति से अधिक है या फिर बिना बिकी प्रॉपर्टी की संख्या ज्यादा है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की संख्या ज्यादा है या कम। इसके अलावा निवेशकों को अर्थव्यवस्था, जॉब मार्केट और उस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में हो रही बढ़ोतरी की स्थिति जानने की भी जरूरत है। ऐसे बाजार जहां ज्यादातर निवेशक हैं वहां घर के वास्तविक माल सकती है। इसकी वजह है कि बाजार में थोड़ी कमजोरी आते ही निवेशक बिक्री कर निकल लेना चाहते हैं। रहने वाले घर को बेचने से पहले सोचें। अगर निवेशक निकट भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी का खुद ही इस्तेमाल करना चाहता है तो इसे बेचने की बजाय रखे रहना ज्यादा उचित है। साल 2004 और 2008 के दौरान जब रियल एस्टेट में तेजी का दौर था तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू रेंटल वैल्यू की तुलना में अधिक बढ़ी थी। बेचने के सही समय का निर्धारण। वर्तमान में अधिकांश शहरों में भारतीय रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में अभी इंतजार करो और देखो की स्थिति है। कम संख्या में ऐसे खरीदार भी हैं जो अल्पावधि के लिए लीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि खरीद कर उन्हें बाद में पछताना न पड़े। अल्पावधि के निवेशक बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी होने पर निकासी की योजना बना रहे हैं। क्या किया जाए? प्रॉपर्टी बेचना तब तक सही नहीं है जब तक कि पैसों की ज्यादा जरूरत ना हो या फिर कोई अच्छा सौदा ना हो गया हो। अगर कोई निवेशक बेचने का निर्णय करता है तो उसे खुले बाजार के मूल्यांकन के अनुसार चलना चाहिए और अधिकतम कीमत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई निवेशक प्रॉपर्टी खरीदता है और उसमें 10 साल तक अपना निवेश बनाए रखता है तो उसे हानि होने की संभावना कम होती है। इतिहास बताता है कि रियल एस्टेट की कीमतें दीर्घावधि में बढ़ती ही हैं, हालांकि कुछ अपवाद भी होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो प्रॉपर्टी मंत्र से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं या फिर फोन भी कर सकते हैं। हमारा पता आप
नोट कर सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है।